समाजवादी पार्टी के एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात करके नगर निगम द्वारा सपा जिला कार्यालय पर की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की। जिलाधिकारी को बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम द्वारा सपा जिला कार्यालय को नजूल की जमीन बताते हुए जिलाधिकारी से कार्यालय को सीज किए जाने और पुलिस फोर्स मांगे जाने की अनुमति मांगी गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि अभी उनके द्वारा इस मुद्दे पर किसी भी पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में जब जिलाधिकारी से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया है और यह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा विधायकों व पूर्व सांसद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के चक्कर की मिलक स्थित जिला कार्यालय को सीज किए जाने के बाद नगर निगम द्वारा कही जा रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी संज्ञान में आया है कि नगर निगम द्वारा कार्यालय को सीज किए जाने एवं इसके लिए फोर्स मांगे जाने की अनुमति जिलाधिकारी अनुज सिंह से मांगी गई है। कुल मिलाकर सपा प्रतिनिधि मंडल की माने तो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला कार्यालय पर प्रशासन की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। कार्यवाही कब होगी ये जिलाधिकारी के विवेक पर निर्भर है। अधिकारी से मिला था, किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई? देखिए, हमारा कार्यालय 1994 से चक्कर के मिलक के ऊपर चल रहा है। अचानक हमने अखबार में ये देखा कि इसको एक्वायर करने के आदेश हो गए और नगर निगम ने पुलिस फोर्स मांगी है प्रशासन से। हमें ये कुछ पता नहीं था कि आखिर क्या वजह क्या है। ना कोई नोटिस हमारे पास और ना ही हमें किसी वजह का मतलब। हम ये लेकर आए थे डीएम साहब पास के साथ, ये हमारे पास 1994 से है, इसका आवंटन हुआ हुआ है, इसका रेगुलर हम किराया भर रहे हैं, तो ये आज क्यों हमें यहाँ से हटाने का आदेश हो रहे हैं? डीएम साहब ने कहा मैंने अभी पत्रावली नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आवंटन जो है वो चेयरमैन ने करा था, जैसे आप लोगों ने भी अखबार में देखा होगा। लेकिन हमारे पास वो लेटर है जो शासन से आया था उस ज़माने में, और शासन के आदेश अनुसार और डीएम के निर्देशानुसार वहाँ पे चेयरमैन ने इसका अलॉटमेंट करा था। तो शासन की ही समस्या थी। तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा करना समाजवादी पार्टी के खिलाफ, ये प्रशासन को शोभा नहीं देगा। क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है कि मैं इसकी पत्रावली देखूँगा और पूरा इंसाफ होगा। अगर आपकी बात सही है तो भी कौन आपको हटाएगा? क्या माना जाएगा आप लोगों को विश्वास में लेकर के, यदि कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो आपको विश्वास में लिया जाएगा? देखिए, हमें पता तो चले, ताकि अगर हम इलीगल हैं तो हम खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन हम तो सब लीगल हैं, हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हम किराया भी बढ़ा दें, हम इसमें क्या परेशानी है। लेकिन इस तरह से तो अगर सारे हटाने लगे चक्कर की मिलक के एरिए में, तो बहुत से प्राइवेट लोगों के लिए क्या सबको हटा देंगे? क्या मानना आपका, ये बदले की भावना से की जा रही है? राजनीतिक भावना से किया जा रहा है।